गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। और आज है हमारे पास दो बहुत ही खूबसूरत बाइक। यहाँ है हमारे पास इंटरसेप्टर 650 ऑरेंज क्रश एंड बोथ बाइक्स आर ब्रांड न्यू गाइस। और आज हमने निकाली है अपनी रॉकेट्स राइड GT 650। भाई अभी तक मैंने 85 किलोमीटर चलाई है और ये अभी हमारी फर्स्ट राइड है। शोरूम से निकालने के बाद यार टाइम ही नहीं मिला और भाई आज हमारा आया है और MT का हेलमेट लगाया है और बाइक से बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। राहुल फ्यूल करा लेते हैं, फ्यूल। हाँ, तो अभी हमारा आज एक शॉर्ट राइड होने वाली है, एंजॉय करने वाले हैं अपनी बाइक्स को, किस तरीके की परफॉर्मेंस है, क्योंकि भाई मैंने तो अभी तक अपनी बाइक बिल्कुल चलाई नहीं है। तो आज है संडे और हम जा रहे हैं संडे राइड पर, और अभी ज़रा फर्स्ट फ्यूल अप कराते हैं और उसके बाद निकलेंगे। आज तुम डलवाओगे, आगे डलवा लेना, रिलायंस डलवा लेना आगे, 350 कर दो भैया। बुलेट नहीं है भैया ये। आगे रिलायंस भी है, वहां से डलवा लेना, रामनगर में रिलायंस है। ऑल राइट, तो अभी हम निकल रहे हैं भाई रामनगर की तरफ। आज हम जाने वाले हैं टेम्पल में, सबसे पहले गर्जिया देवी के पास लेके जाएंगे बाइक को, उसके बाद आज हम हनुमान धाम भी लेके जाएंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है यार व्लॉग में, दो दो ब्यूटीज़ हमारे साथ चल रही हैं। और आज हमारा इनिशियल रहेगा अपनी GT 650 के साथ। अभी तो हम केवल मुरादाबाद से इसको लेके आए थे और लाकर हमने पूजा करा के खड़े कर दिए थे। शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा था इसलिए हम चला नहीं पाए, तो आज संडे। चलो भाई चलो, भाई कसम से इन ई रिक्शा वालों ने बहुत जान खाई है। सो अभी हम निकल रहे हैं अपने शहर काशीपुर से और काफ़ी बढ़िया वेदर हो रहा है भाई, धूप निकल रही है। टाइम हो चुका है 11 बजे क्योंकि राहुल भाई मुरादाबाद से हमें ज्वाइन किया है। राहुल ने अपने चैनल पर अभी तक कोई भी राइड हमारी राहुल के साथ नहीं हुई है और ये पहली राइड है, और दोनों GT साथ साथ चल रही हैं, मस्त रिएक्शन आ रहे हैं। और अब हमारा फ्यूल गेज ऊपर हो चुका है, 2 पॉइंट्स और बढ़ चुके हैं। तो आज थोड़ा सा खींच के देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, सारी चीज़ें देखने वाले हैं भाई, और अपने व्यूज़ भी शेयर करेंगे आप लोगों से कि इनिशियल व्यूज़ कैसे हैं। अब आने वाली वीडियो सारी अपनी GT पे ही रहने वाली हैं, तो सारे अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सारी चीज़ें शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। अभी तक की मेरी जो पोजिशनिंग है तो भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है। राहुल से भी पूछेंगे इंटरसेप्टर पर उसको क्या कैसा लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 550 किलोमीटर कवर अप कर चुके हैं। तो अभी पहले यहाँ से ज़रा शहर से निकलते हैं। गाइस शहर से आ चुके हैं हम लोग काफ़ी दूर रामनगर रोड पर, और अब आकर यहाँ पर रोड सही हुई है और अब थोड़ा सा ज़रा बाइक को टेस्ट किया जाएगा। ट्रैफिक तो काफ़ी हो रहा है बट हम लोग मानने वाले नहीं हैं। जस्ट लव इट मैन। भैया रास्ता देना होता है रास्ता, ये क्या चल रहा है ये है? भाई अपने मस्ती में चलते हैं लोग, रूल्स का कुछ ध्यान ही नहीं रखते बिल्कुल भी। और पीछे आ रही है इंटरसेप्टर, और दोनों ही सेम पोटेंशियल की बाइक, और ये गई भाई इंटरसेप्टर खींचते हुए। क्या बात है क्या बात है, मतलब ललचाया जा रहा है मुझे। हाँ मैं सोच रहा हूँ अभी ना भगाऊँ, ये चाहते हैं कि मैं इसे गोली बनाऊँ। वाह भाई वाह, ये आता है जब सेम पोटेंशियल की बाइक आपके साथ चल रही होती हो, तो राइड करने का मज़ा अलग ही आता है। क्या बात है क्या बात है। बहुत ट्रैफिक आ रहा है आज इस रोड पर, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट निकले थे, मॉर्निंग का प्रोग्राम था, लेकिन भाई सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और ये अभी 100 टच करी है अपनी बाइक, 4000 RPM, और अभी मैं टॉप गियर में चल रहा हूँ, और राहुल तो भाई इंटरसेप्टर लेके सीधा निकल गया आगे। ओके ओके, अभी 99.6 हो रहा है, 100 किलोमीटर अभी हमारे फर्स्ट 100 किलोमीटर टच होंगे भाई अपनी GT 650 के। और ये एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है यार, जब आप नई बाइक लाते हो, एक एक किलोमीटर देखते हो कि हाँ यार इतनी में चला चुका हूँ, और फर्स्ट 100 किलोमीटर का चार्म अलग होता है। एंड लुक एट दिस रीडिंग, 999 हो रही है, यानी कि 99.9, एंड नाउ 100 किलोमीटर आप और अब चलेगी बाइक अपने। हो और ये गई 120।
बहुत बढ़िया ब्रेकिंग भाई, जैसी चाहिए थी ये है वो ब्रेकिंग। वाओ मैन, जस्ट आई जस्ट लव दिस पोज। आई जस्ट लव दिस पोज मैन। अभी अपनी बाइक में यार सारी चीजें स्टॉक हैं, केवल दो ही एसेसरीज हमने लोड करवाई है, वो मैंने आपको अपने डिलीवरी ब्लॉग में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर चेकआउट करना। तो अभी फटाफट से हम रामनगर पहुंचते हैं और फिर आपको आगे के सीन चेकआउट कराते हैं। फिलहाल जरा रैप करते हैं बाइक को। और यहाँ जा रही है भाई उत्तराखंड सरकार की गाड़ी, यानी कि ये जा रही है पुलिस कार। और इस मजा आ गया, मजा आ गया। 130 चली गई थी, मजा आ रहा था, मजा आ रहा था। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रामनगर, और कब हम रामनगर पहुंच गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। और अभी हमारे साथ एक बुलेट वाला लड़का बहुत ज़्यादा रेस करने के मूड में था, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ में रेस हो, बट ये लड़का जो है मानने के लिए तैयार ही नहीं है। थोड़ा सा चार्ज हो जाते हैं यार लोग, बट इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये देखो ये गया वो लड़का, और कानों में इसने ईयरफोन लगाया है और हमसे रेस करना चाह रहा है। कोई नहीं, छोटा बच्चा है, एग्रेसिव हो रहा है। उसको एक खुशी मिली हमसे आगे निकल के, बट कोई नहीं यार, वी आर इंजॉइंग एंड वी आर राइडिंग, वी डोंट वांट टू रेस विद एनीवन। क्योंकि यार जब आपके पास पावरफुल बाइक होती है, हो सकता है इससे भी ऊपर की बाइक्स हैं और हम उनके साथ में रेस करें, दैट डजंट मेक एनी सेंस। पहुंच चुके हैं, अब हम जाएंगे बैराज से घूमते हुए, क्योंकि उधर का व्यू बहुत ही बढ़िया आता है, शानदार व्यू आता है उधर से। लुक एट दिस ब्यूटी यार, बहुत प्यारी लग रही है और बहुत ही अच्छा कलर है भाई। इंटरसेप्टर में मैं वही कलर लेता, तो राहुल ने इंटरसेप्टर चूज़ करी तो मैंने जीटी चूज़ करी, बिकॉज जीटी इज़ माय फर्स्ट प्रेफरेंस। तो अब अपने पास दो दो बाइक हो चुकी हैं जब भी हम लॉन्ग ट्रिप पर जाएंगे। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं बैराज वाले रूट पर, और इधर आ रही है बैराज की नहर और हरा हरा पानी, क्या बात है यार पूरी। हाँ ऐसी देखेंगे, ऐसी फुल रिएक्शन मिल रहे हैं भाई तुम्हें। कैसा फील हो रहा है, अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस लिया जाएगा। ये देखो कितना मस्त व्यू आता है भाई इधर से, ये कोसी निकल रही है, आ जाओ। तो अभी हम चल पड़े हैं भाई रामनगर में बैराज की तरफ, और उसके पहले हम जाएंगे गर्जिया, और गर्जिया के बाद हम लोग जाने में आ रहे हैं हनुमान धाम। बहुत ही मज़ा आने वाला है यार, फुल एंजॉय करने वाले हैं दोनों बाइक्स के साथ में। एंड लुक एट दिस ब्यूटी, और ये ब्यूटीफुल रोड आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त है। यहाँ का जो व्यू आता है भाई वो एक नंबर आता है, एक नंबर अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है भाई यहाँ का। आज है संडे और काफ़ी ज़्यादा, अंकल ऐसी सामने से घुसा दो बस। तो यार अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस लोकेशन पर, गर्जिया देवी टेंपल जो बाहर वाला है वहां भी हम पहुंच चुके हैं, और ये है हमारी ब्रिज वाली लोकेशन। और यहां से बस थोड़ा सा पास में ही रहता है, पहुंचने वाले हैं, थोड़े से फोटोज़ वोटोज़ और लेंगे अभी अपनी बाइक के साथ में। गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं गर्जिया देवी टेंपल, और अभी हम पीछे कर रहे थे फ़ोटोशूट, और काफ़ी अच्छे से कुछ हमने फ़ोटोज़ लिए हैं जिसको आप इंस्टाग्राम पर चेकआउट कर सकते हैं और रील्स भी चेकआउट कर सकते हैं। इतना कुछ था नहीं जितना इसने ब्रेकिंग कर दी। घबरा जाते हैं लोग यहाँ पर जब ड्राइव करते हैं, तो बहुत इजीली निकाल सकता था ये। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं गर्जिया देवी, कैसी लग रही है अंकल, कैसी लग रही है, बढ़िया मजा आ रहा है अंकल को देखने में। अंकल फुल नोटिस करते हुए। सो लाइक गाइस अभी हम हैं गर्जिया देवी टेंपल पर, और हम लोग बैठे हैं बिल्कुल रिवर साइड लोकेशन पर, यहाँ मेरे साथ है राहुल और हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पर।
भीड़ बहुत ज़्यादा लगी है, तो हम लोगों ने अभी प्रसाद नहीं चढ़ाया, लेकिन अभी हम लोग चाय इंजॉय कर रहे हैं, साथ में मैगी भी ले रहे हैं, और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। आप लोग चेकआउट कर सकते हो। राहुल, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर आके? यार मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत लंबे टाइम बाद में सोच भी ज़्यादा यार खुद को टाइम दिया गया और आज मौका मिला, इतनी दूर आए अपन। बाइक राइड करके कैसा लगा? अरे यार समझने ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम किया यार। अभी मैंने राहुल तो काफ़ी सारी बाइक राइड कर चुका है कि काफ़ी किलोमीटर क्लॉक कर चुके हैं, लेकिन मैंने जो है अभी 100 अवर क्रॉस करी है अभी गिरजिया की जब मैं आया हूँ, तो बहुत ही बढ़िया फील आ रहा है। और आगे आगे ब्लॉग्स में आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो अभी हम इन्जॉय करते हैं फिर मैगी और चाय, और फिर आप